गर्मियों का मौसम आते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे मुश्किल हालातों में घरों में कैद लोगों का बढ़ते तापमान में जीना दोभर हो जाता है, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन अपनाते हैं। कोई एसी तो कोई महंगा कूलर पंखे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं गर्मियों के दिनों में एमपी के बुंदेलखंड इलाके के अधिकांश हिस्सों में रहने वाले आदिवासी लोग आज भी तपती धूप से बचने के लिए अपने कच्चे आसियानों और खेत खलियानों में बनी झोपड़ियों को उरई की जड़ से ढक देते हैं, जिस पर शाम के समय पानी का छिड़काव करने पर ठंडक महसूस होती है। क्या नाम है दादा, कहाँ से रहने वाले? राजी नाम है, पुराना बाजार दूर से रहने वाले और खस देते हैं और लेकर आते हैं, कंडनी से लेके आते हैं और 300 रुपये में एक सेट बना के देते, 350 में। क्या खासियत है इस खासियत? ये ठंडक ज्यादा देता है ऐसे पहले उस हिसाब में। कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत लगती है, बांस फाड़ो काटो और फिर ना बना कर लगाओ। अगर गरीब लेना चाहे? गरीब लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन उसके ऐसे पहले उसके सामने ठंडक है वो मिलती है और जो गरीब लोग हैं झोपड़े बना के रहते हैं तो छाले में और आराम मच्छर भी नहीं लगे, ठंडक रहती है तो हाँ पानी कम लगे, सिंचाई कर ले रात में तो आराम सो सकते।